हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं इंडिया आके दूसरी डेस्टिनेशन पे जाऊंगा, तो मैंने गोवा चूज़ करी है और मैं साथ में अपनी मॉम को लेके जा रहा हूँ साथ में घुमाने के लिए, ताकि उनको भी मेरे साथ थोड़ा बहुत इन्जॉय हो जाए। तो आप देख सकते हो, ये मिलो आप मेरी मॉम से। तो अभी बाकी एयरपोर्ट में निकल रहा हूँ। ये एयरपोर्ट के पास का एरिया है जो कि बहुत फेमस है, इसका नाम एरो सिटी है। तो जी, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले वेब चेक इन मैंडेटरी हो गया है, जो कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। तो जी, आप देख सकते हो लाइन कितनी ज्यादा है आजकल एयरपोर्ट पर। तो डॉक्यूमेंट चेक करा के मैं अंदर निकल पड़ा। जैसे कि वेब चेक इन ऑलरेडी मैंने किया हुआ था, तो सिक्योरिटी चेक के बाद डायरेक्टली मैं गेट की तरफ निकल पड़ा। आप सब देख सकते हैं एयरपोर्ट पर कितना रश है। मोस्टली इन दिनों हनीमून कपल्स गोवा ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ और अभी थोड़ा सोच रहा हूँ, मॉम थोड़ी सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो सोच रहा हूँ कुछ खाना खा लें, फिर बाकी आपको दिखाता हूँ आगे का। तो जा रहे हैं, बोर्डिंग पास मैंने ले लिया है, ये देखो बाय कर रही है मैडम। बाकी पहुँचता हूँ वहाँ पर, बैठता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो जी, फ्लाइट का नंबर आ गया है, काफ़ी देर वेट किया, फ्लाइट डिले हो गई थी, तो चलो चलते हैं। तो जी, फ्लाइट पूरी फुल थी जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जी, बैठ गया हूँ, काफ़ी फ्लाइट में सारी फुल है। जब मैं पिछली बार आया था तो थोड़ी बहुत एम्प्टी थी, बट अब सीज़न चल रहा है तो बहुत ज़्यादा अभी रश है, बाकी देखते हैं। तो जी, गोवा एयरपोर्ट पहुंच के मैंने बैगेज क्लेम किया और मैं बाहर आ गया। तो मैं गोवा एयरपोर्ट पहुंच गया हूं और जैसे कि अंदर थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी, क्योंकि गोवा एयरपोर्ट पे फोटोग्राफी और वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर आ गया हूं। अभी मैंने अपने लिए कैब हायर करी है जो कि पर्सनल है, मैं ही ड्राइव करूँगा क्योंकि अपनी मॉम को साथ में लेके आऊँ, नहीं तो मैं, आपको पता ही है, बस में ट्रैवल करता। हाँ जी, तो मैंने अपनी गाड़ी ले ली है जो मैंने हायर करी है, क्योंकि मैं पहले काफ़ी गोवा आ चुका हूँ, तो मेरी जान पहचान है, तो मैं ले लेता हूँ। बाकी आप भी ले सकते हो, ऑनलाइन बहुत वेबसाइट्स हैं, आपको भी मिल जाएगी। मॉम के साथ मेरी पहली गोवा की ट्रिप। मैं हूँ देसी फ्लायर, वेलकम टू गोवा। तो जी, अभी मैंने सोचा कि मैंने वैसे होटल बुक करा रखा था, अभी 4 ही बजे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ एक डेस्टिनेशन, एक अट्रैक्शन पूरी कर लेते हैं, वो आपको लोगों को दिखा देता हूँ, जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी, सोच रहा हूँ वहाँ चल दूँ, क्योंकि वो मेरे अभी रास्ते में आएगा, फिर उसके बाद मैं होटल चलूँगा। तो चलो। तो हम चल पड़े डोनापोला व्यू पॉइंट। वेदर बहुत जबरदस्त है यहाँ। तो मैं डोनापोला के व्यू पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, जहाँ पे सिंघम मूवी की शूटिंग हुई थी। ये मॉम के साथ आया हूँ, इनको मैंने सोचा थोड़ा घुमा दूँ, क्योंकि रास्ते में आया हूँ अभी,
तो सोचा बीच रास्ते में मैं इनको ये सिंगम पॉइंट दिखा दूँ। मैं तो सिंगम पॉइंट ही बोलता हूँ, बाकी चलो आपको आगे दिखाता हूँ। तो जी यहाँ पहुँचा तो पता चला रेनोवेशन चल रही थी, बाकी जितना मैं कवर कर सकता हूँ आपको करवाऊंगा। मोस्टली कपल्स यहाँ अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं, व्यू आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त है। बाकी ठीक है, आ गया, मैंने सोचा चलो अभी जाते टाइम पे देख लेते हैं, वरना मुझे अलग से आना पड़ता, फिर मूड खराब हो जाता ताकि ये बंद पड़ा है। बट फिर भी जो भी अगर कोई गो आए तो यहाँ डेस्टिनेशन पे ज़रूर आए, विद इन वन मंथ में आएगा तो ये तब तक सारा रेनोवेट हो जाएगा। बहुत यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, बहुत फेमस पॉइंट है ये डोना पोला के नाम से, और फिशिंग होती है यहाँ पर। ये सारा पीछे सारा मेरे बैग का है, अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं जैसे मैंने आपको बताया था, पोलियो तक थोड़े अच्छे अच्छे सीन शॉट्स ले रहे हैं ये। तो जी जो वो दिख रहा है ना ऊपर, वो है डोना पोला व्यू पॉइंट, और बाकी ये सारा जो उधर कॉर्नर है जो मैंने आपको दिखाया, वो सारा सिंगम की मूवी शूटिंग हुई थी जहाँ पर, सिंगम मूवी की वो सारा व्यू पॉइंट है जहाँ पर ये अपने अजय देवगन साहब यहाँ पर लड़ाई करके आए थे। तो जी आप देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। कुछ बोट्स वहाँ खड़ी हुई हैं जो कि पर्सनल यूज के लिए है, नॉट फॉर पब्लिक। कुछ छोटी मार्केट्स। तो जी मैंने सोचा यहाँ पर कुछ वाटर एक्टिविटी कर ली जाए, बट अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी ऑफिस बंद है, बट कोई नहीं दूसरे बीच पे करेंगे। वैसे भी यहाँ पर इतने ज़्यादा रश नहीं है, ज़्यादा लिमिटेड नहीं है, बट यहाँ पर अच्छी वाटर स्पोर्ट्स होती हैं। सीज़न अभी चल रहा है, बट अभी रेनोवेशन चल रही है तो लोग इतने हैं नहीं, तो वाटर एक्टिविटी वाले भी इतने नहीं हैं, बट है लिमिटेड है। तो ये मैडम को कैब दिला के दिए यहाँ से बीच से, और ये अभी थोड़ा कैमरा शाये हो रही हैं, अभी बोल नहीं पा रही हैं, बट कोई नहीं धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो जी बस ये हो गया डोना पोला, मैं थका भी हूँ, तो बाकी चलो होटल की तरफ चलते हैं, फिर वहाँ दिखाते हैं कौन सा मैंने होटल लिया। मैंने रिजॉर्ट लिया है क्योंकि अपनी मॉम आई है साथ में, तो हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो बाकी चलो। व्यू पॉइंट देखने के बाद हमने लंच किया और हम रिजॉर्ट की तरफ निकल पड़े। थोड़ा लेट हो गया हूँ पहुँचने में, रात हो गई है, मतलब यहाँ शाम थोड़ी जल्दी रात हो जाती है यहाँ पे शाम को। बाकी अभी रात को देखते हैं कहाँ जाऊँगा, थोड़ा रेस्ट कर लूँ फिर उसके बाद निकलते हैं, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। बाकी अभी चेक इन कर लूँ फिर मैं अंदर जाके आप लोगों से बात करता हूँ। हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबका। जैसे कि मैं होटल पहुँच गया था, मैंने जैसे पहले बताया था, अभी रात हो गई है तो मैं थोड़ा निकल रहा हूँ नाइट के लिए, नाइट आउट के लिए, दिखाने के लिए कि अभी कितना क्राउड है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, आज ज़्यादा इतना होगा नहीं मेरे हिसाब से। बाकी चलो देखते हैं, अभी मैं डिटोस लेन जा रहा हूँ, और बाकी वहाँ एक क्लब है बड़ा फेमस है, मैम्बोस क्लब, नाइट क्लब, मैं बस देखने जा रहा हूँ ऐसे ही, थोड़ा नॉर्मल नाइट आउट देखने। मैं आपको थोड़ा दिखाऊँगा कि कैसा क्राउड है अभी इस टाइम पर, रात को 1 बज रहा है अभी। बाकी चलो। केप टाउन कैफे जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफे है टीटोस लेन का। टीटोस लेन में टीटोस क्लब और सामने मैम्बोस क्लब। तो जी मैं यहाँ पर थोड़ा ये मैम्बोस क्लब पार करके सामने बीच आता है जो बागा ही कहते हैं। बाकी ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जी क्राउड देख लिया आपने, इतना रात को, अभी भी रात के 1:30 बज रहे हैं, अभी भी देखो कितनी रौनक है। ये देखो मतलब अभी दिसंबर में फुल ऑन
फुल ऑन पूरा क्राउड है। और बाकी मैं आगे देखता हूँ कितने शैक्स हैं, अभी मतलब पूरी लाइन शैक से ही भरी हुई है। बाकी चलो आगे के एपिसोड में मैं बताने वाला हूँ गोवा की कुछ अट्रैक्शंस, नाइट लाइफ, तो आओ देखते हैं मेरे साथ। मैं हूँ देसी फ्लायर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग यू गाइज़।